कुछ हफ्तों से गुल्ली और बुल्ली का दिन काफ़ी सुकून से बीत रहा है और आज अपना पार्टी बस और इन लोगों के घर भी आया हुआ है। सारा दिन मौज मस्ती करने के बाद रात के वक्त ये तीनों कंप्यूटर पर लगे हुए हैं। अपना पार्टी बस और तो कंप्यूटर पर गेम खेलने में लगा हुआ है और इधर गुल्ली और बुल्ली मेक जोक कमिल की वीडियोज़ देख कर मज़े उठा रहे हैं क्योंकि इन्हें मेक जोक कमिल की एडवेंचर और हॉरर वीडियो पसंद आती है, इसलिए ये लोग मेक जो कमिल की वीडियोस देखकर मज़े उठा रहे हैं, वो भी उसके चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और इधर शाम 2 घंटे से लगातार गेम्स खेलने में लगा हुआ है। वो GK5 गेम खेल रहा है कंप्यूटर पर, लेकिन उसका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसलिए वो जल्दी से गेम को कम्प्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। शाम गेम खेलने में लगातार उसे गेम का पता ही नहीं चलता, वो एक लगातार गेम खेल रहा है और उसे अपनी गेम का पता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब शाम का गेम खत्म होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पेट से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और इस आवाज़ को सुनकर बुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली ये आवाज़ कैसी है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? ये सुनकर बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे लगता है कि इंसान के पेट की आवाज़ है क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो उसका पेट की आवाज़ ऐसे ही आती है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, खाना खाने के बाद पॉटी तो कर देता है। और इसके बाद बुल्ली शान से बोलता है, क्या हुआ शान, तुम्हें बहुत देर भूख तो नहीं लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी तो हम तुम्हें बता दें, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ बचा था वो तुम पहले ही खा चुके हो, इसलिए अगर तुम्हें अब खाना है, कुछ भी खाने का मन है तो तुम बाहर जाकर और लेकर आओ, क्योंकि बार बार हम दौड़ेंगे नहीं बाहर जाकर, इसलिए इस बार तुमको खाना लाना होगा, क्योंकि हम लोग जब भी लाते हैं तुम खा खा के ख़त्म कर देते हैं। और ये सुनकर शान गुल्ली और बुल्ली से बोलता है कि ठीक है बुल्ली, मैं बाहर जाने को तैयार हूँ और मैं तुम लोगों के लिए भी कुछ खाने को लेते आऊँगा, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। और इतना बोलकर शान घर के बाहर जाने लगता है। वो घर का गेट खोलता है और घर के बाहर जाते ही स्कूटर पर बैठता है और स्कूटर को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल लेता है हीरो की स्टाइल में। स्कूटर को बहुत ही तेज़ भगा रहा होता है, लेकिन आधी रात में स्कूटर को इतनी तेज़ भगाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है और वैसे भी ये जंगल का रास्ता है। लेकिन अपना शान कहाँ मानने वाला, वो तो किसी से भी नहीं डरता। शान जाते जाते ये सोच रहा होता है कि वो गुल्ली और बुल्ली के लिए कम खाना लेगा क्योंकि इस बार वो खाना लाने जा रहा है, अपने लिए ज़्यादा खाना लेगा। शान जा ही रहा होता है कि तभी उसकी स्कूटर अपने आप बंद हो जाती है, शायद इसकी स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इसके बाद शान अपनी स्कूटर से उतरता है और आसपास देखने लग जाता है कि शायद इसे कहीं पर पेट्रोल मिल जाए। एक बार देखने के बाद वो थोड़ा आगे जाकर और भी कहीं देखने लग जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद शान को एक घर दिखाई देता है, वो भी जंगल के बीचों बीच, लेकिन आखिर इतने घने जंगल में ये किसका घर हो सकता है? खैर शान को क्या इससे लेना देना, शान तो बस यहाँ से पेट्रोल लेकर निकल जाएगा। शायद इस घर में पेट्रोल ज़रूर होगा क्योंकि ये घर तो एकदम नया लग रहा है, तो इसका मालिक भी आसपास ही होगा। शान इस घर के मालिक से पेट्रोल मांगेगा और यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है शान को। और अगर उसे पेट्रोल नहीं मिला तो वो यहीं पर रात गुजार लेगा। और इतना सोचने के बाद शान उस घर के अंदर जाने लगता है, वो भी दौड़ते हुए। थोड़ी ही देर में शान उस घर के पास पहुंच जाता है। शान घर के पास पहुंचते ही उस घर का गेट खोलता है और घर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अरे ये कौन है? शान को ये पता नहीं था कि ये कौन है, शान कुछ सोच रहा था कि तभी वो आदमी शान के ऊपर हमला कर देता है। इसका कपड़ों पर क्या नाम लिखा है? वो तो ये मिस्टर मीट है। शान को मारकर बेहोश करने के बाद मिस्टर मीट उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से हंसने लग जाता है कि उसे आज का शिकार मिल गया और अब वो इसका मीट काट कर बेच देगा और पार्टी भी कर लेगा।
यही सोच सोच कर मिस्टर मीट काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और पार्टी में ये किसी और को भी बुलाएगा और मिस्टर मीट को लगता है कि शॉन मर चुका है। लेकिन शॉन अभी मरा नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। अगर इसका इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है। मिस्टर मीट शॉन को देखने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है किसी को बुलाने के लिए। लेकिन मिस्टर मीट आखिर किसको बुलाने जा रहा है इसका पता आपको आगे चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। मिस्टर मीट काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वहाँ से निकल जाता है। और इधर बुली और बुली इस बात से बेखबर होकर कंप्यूटर पर वीडियो देखकर मज़े उड़ा रहे हैं। बुली को तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, ये लोग एक लगातार कंप्यूटर पर वीडियो देख रहे होते हैं। लेकिन तभी बुल्ली कुछ सोचते हुए बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली अभी तक शॉन आया क्यों नहीं, उसने तो कहा था कि वो यूँ गया और यूँ आया और अभी तो एक घंटा हो चुका है, एक घंटे से वो खाना थोड़ी ला रहा होगा। और ये सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली, मुझे तुम्हारी बात ठीक लग रही है, हो सकता है वो कहीं पर फंस गया हो, हमें एक बार चल कर देख लेना चाहिए कहीं वो जंगल वाले रास्ते में तो नहीं फंस गया। वहाँ पर मिस्टर मीट रहता है जो अपने घर के पास गुजरने वाले लोगों को मार देता है। और ये सुनकर गुल्ली बोलता है ठीक है चलो जल्दी, और इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी तेज़ी से गेट के पास जाते हैं और गेट को खोलते हैं और अपनी जीप के पास जाकर जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं शॉन को ढूंढने के लिए। जीप में बैठते ही बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बुल्ली जीप को बहुत ही तेज़ी से भगा रहा होता है और बुल्ली इधर उधर देख रहा होता है कि शायद उसे शॉन कहीं दिख जाए। इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शॉन खाना लेने गया था या फिर बनाने, यही सोचते सोचते ये लोग जा रहे होते हैं। और थोड़ी देर में ये लोग जंगल वाले रास्ते पर पहुँच जाते हैं। बुल्ली जंगल में आता ही जीप को स्पीड को बढ़ा देता है। बुल्ली कहता है कि ये जंगल का रास्ता है, जीप की स्पीड को कम करो थोड़ा। और ये सुनकर बुल्ली जीप की स्पीड को कम कर देता है और बुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है कि शायद उसे कहीं पर शॉन दिख जाए। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी बुल्ली को शॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और वह बुल्ली से कहता है बुल्ली जीप को रोको, सामने देखो क्या है। और ये सुनकर बुल्ली तुरंत जीप को रोक देता है और वह बुल्ली से कहता है कि हाँ बुल्ली, जो तुम्हें दिख रहा है वही मुझे भी दिख रहा है, सामने शॉन की स्कूटर है, मुझे लगता है कि शॉन यहीं आसपास होगा, वो हमसे सूखने का नाटक कर रहा होगा, चलो चलकर उसे ढूंढते हैं और अगर वो मिल गया तो उसे टपली मारेंगे हम लोग, इतना भद्दा मजाक भी कोई मजाक होता है छुपकर हमें ढूंढना। और ये सुनकर गुल्ली कहता है ठीक है चलो जल्दी, अब पहले उसे ढूंढना होगा। और इसके बाद ये दोनों जीप से उतरते हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों स्कूटर के आगे जाते ही एक बार शॉन को यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं कि शायद इन्हें कहीं शॉन दिखाई दे जाए। लेकिन जब इन्हें शॉन वहाँ भी कहीं नहीं दिखता तो ये लोग दोबारा आगे चले जाते हैं और एक बार और ये लोग चेक करते हैं कि शायद इन्हें शॉन दिख जाए। लेकिन इन्हें शॉन दोबारा से नहीं मिलता तो ये लोग और आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। ये अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ है, मिस्टर मीट वापस आ गया। और गुल्ली बुल्ली को पता है कि मिस्टर मीट कितना ख़तरनाक है, वो इंसानों का मीट काटकर बहुत ही महंगे दामों में बेच देता है और उन्हें खा भी लेता है। इसके बाद मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली पे हमला करने ही वाला था लेकिन तभी ये अरे ये क्या हुआ, बुल्ली ने तो मिस्टर मीट का मीट पकड़ लिया। अब लगता है कि मिस्टर मीट की खैरियत नहीं, अब मिस्टर मीट की सामान तो आने वाली है। और तभी ये क्या हो गया, तभी बुल्ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और इधर गुल्ली का गुस्सा भी बढ़ते ही जा रहा है और गुल्ली भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है क्योंकि मिस्टर मीट ने गुल्ली और गुल्ली पर हमला करने की गलती कर दी। अरे ये क्या, गुल्ली मिस्टर मीट के पीछे क्यों चला गया, अरे ये क्या, गुल्ली ने तो मिस्टर मीट का गला पकड़ लिया, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। ओ ये बात,
आखिरकार मिस्टर मीट की सुताई शुरू हो गई है। अब मिस्टर मीट की तो खैर नहीं, बुल्ली मिस्टर मीट पर एक लगातार पंच मारे जा रहा है बिना रुके। मिस्टर मीट बेचारा पर खाई खाते ही जा रहा है। आज मिस्टर मीट को भी पता चला होगा कि गुल्ली और बुल्ली से पंगा लेना कितना बुरा होता है। और तभी गुल्ली भी मिस्टर मीट के पास जाता है और वो एक लात दे देता है मिस्टर मीट को, जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है और वहीं भी होश में जाता है। और मिस्टर मीट के ढेर होने के बाद मिस्टर मीट की अच्छी खासी सुताई करने के बाद गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, मुझे लगता है कि इस मोटे सांड मिस्टर मीट ने ही सॉन के साथ कुछ किया होगा, वरना सॉन अब तक घर वापस आ जाता। मुझे लगता है कि इसने सॉन को मार दिया, और अगर ऐसा हुआ तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे यहीं पर मार डालेंगे। और ये सुनकर बुल्ली कहता है कि हाँ गुल्ली, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर सॉन को कुछ हुआ होगा तो। अभी ये हमें जानता नहीं, इसने बहुत ही गलत लोगों से पंगा लिया है, इसका अंजाम इसे भुगतना होगा। मुझे लगता है कि मेरे पीछे जो घर है उसी में इसने सॉन को छुपाया होगा, चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। और ये सुनकर गुल्ली बोलता है कि ठीक है बुल्ली, चलो चलकर देख ही लेते हैं। और इसके बाद ये लोग उस घर में जाने लगते हैं जो कि मिस्टर मीट का घर है। गुल्ली बुल्ली काफ़ी तेज़ी से उस घर में जा रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही ये दोनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही ये दोनों देखते हैं कि सॉन वहां पर बेहोश पड़ा है। इन दोनों को लग रहा है कि सॉन मर चुका है, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली सॉन को ध्यान से देखता है और वो गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, मुझे लगता है कि ये अभी मरा नहीं है, चलो हमें इसे बाबा के पास ले चलना होगा, शायद बाबा इसे ठीक कर दें, जल्दी से इसे उठाओ वरना ये मर ही ना जाए। और ये सुनकर गुल्ली कहता है कि ठीक है बुल्ली, मैं इसे कंधे पर उठा लेता हूँ, तुम बस देखते जाओ, और अगर हमारे सामने कोई भी आया तो तुम उसे मार कर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल कर देना। और इसके बाद गुल्ली सॉन के पास जाता है और वो सॉन को अपने कंधे पर उठा लेता है। और इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये दोनों जैसे ही सॉन को लेकर घर के पार पहुँचते हैं तभी इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये क्या, अब ये कौन है? ये तो कोई किलर लग रहा है, इसका नाम क्या है? आपको अगर पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, शायद ये जेफ द किलर है। जब तक किलर गुल्ली बुल्ली को देखकर अपनी मुंडी यहाँ वहाँ घुमाने लगता है, शायद ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने मिस्टर मीट को मारकर अच्छा नहीं किया, शायद मिस्टर मीट ने इसे ही बुलाया अपनी पार्टी में और अब ये गुल्ली बुल्ली को छोड़ेगा नहीं। जब तक किलर को देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन वहाँ से भागने लगते हैं। सॉरी, सॉन कैसे भाग सकता है, सॉन तो बेहोश पड़ा है। गुल्ली सॉन को अपने कंधे पर लेकर भाग रहा होता है और गुल्ली बिना कुछ लिए भाग रहा होता है, लेकिन बुल्ली तेज भाग रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी भार नहीं है। लेकिन अभी इन लोगों के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। जब द किलर इन लोगों की तरफ देख रहा होता है तभी वो अपनी जेब से कुछ निकालने लग जाता है। अरे ये क्या है, ये तो एक चाकू है, आखिर जब द किलर इस चाकू से करने क्या वाला है? तभी जब द किलर चाकू निकालते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ चाकू लेकर दौड़ने लग जाता है। अब शायद गुल्ली बुल्ली को बचना नामुमकिन है। गुल्ली और बुल्ली भागते हुए वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी जब तक किलर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि गुल्ली और बुल्ली यहाँ से भागने वाले हैं, और वो वहीं पर रुक जाता है और गुल्ली और बुल्ली की तरफ चाकू फेंक कर मारता है और ये चाकू सीधे गुल्ली के पैर में जाकर मारता है, जिससे गुल्ली गिर जाता है और सॉन भी गिर जाता है बहुत दूर जाके, और गुल्ली भी बेहोश हो जाता है और सॉन तो पहले से ही बेहोश है और सॉन वहाँ पर पड़ा हुआ और इधर गुल्ली बचा हुआ और वो भागने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि ये किसी तरह से यहाँ से निकल जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि बुल्ली जैसे ही भाग ही रहा होता कि तभी वहाँ दूसरी तरफ
मिस्टर मीट को होश आ जाता है और वो अपने मीट को फेंक कर बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बुल्ली का सर फट जाता है और वो वहीं पर गिरकर भी होश हो जाता है। बुल्ली को बेहोश करने के बाद मिस्टर मीट बड़ी ही खुशी से जब तक गुल्ली के पास जाने लग जाता है। मिस्टर मीट गुल्ली के पास जाकर रुक जाता है और वो गुल्ली को देखता है और फिर जब तक क्लियर को अपने पास आने का इशारा करता है। इस इशारे को देखकर जब तक क्लियर मिस्टर मीट के पास आने लग जाता है। जब तक क्लियर मिस्टर मीट के पास जाने लगता है, जब द क्लियर जैसे ही मिस्टर मीट के पास जाता है, मिस्टर मीट जब द क्लियर से बोलता है कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, अगर मैं नहीं उठा होता तो वहाँ बुल्ली यहाँ से भाग चुका होता और हम इसे पकड़ भी नहीं पाते और शायद ये हमारा भांडा फोड़ देता, पुलिस को लेते आता यहाँ पर और हमारा काम हो जाता। ये सब सुनकर जब द क्लियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और जब द क्लियर बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम ही पीट कर इन लोगों से मेरे पास मुझे बुलाने आए थे। खैर छोड़ो ये सब, अब इसे उठाओ और इसे लेकर चलो खाने के लिए। और इतना बोलकर मिस्टर मीट और जब द क्लियर गुल्ली को एक लकड़ी पर लटकाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो दोनों लोग गुल्ली को एक लकड़ी पर लटका कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। आखिर ये लोग गुल्ली को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? कहीं ये लोग इसे पका कर खाने तो नहीं वाले? अगर ऐसा हुआ तो गुल्ली तो मर ही जाएगा, फिर हम गुल्ली को खो देंगे। शायद ये लोग गुल्ली को पका कर पार्टी करके खाने का प्लान बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने बुल्ली को होश आने लग जाता है। बुल्ली को होश आने ही लगता है और बुल्ली उठने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता है। और थोड़ी ही देर बाद बुल्ली पूरी तरीके से होश में आ जाता है और वो उठ भी जाता है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है कि आखिर जब तक क्लियर मिस्टर मिल गए कहाँ, और जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है। बुल्ली बाइक से नहीं जाना जाएगा क्योंकि अगर ये बाइक से जाएगा तो जैफ द क्लियर और मिस्टर मीट को बाइक या जीप की आवाज़ आ जाएगी और वो दोनों इसको देख लेंगे और इसका पीछा करने लगेंगे। इसलिए बुल्ली दौड़ते हुए ही बाबा के घर पर जा रहा है बाबा को बुलाने के लिए, क्योंकि बुल्ली गुल्ली और शॉन को अकेला नहीं छोड़ सकता मारने के लिए। इसलिए बुल्ली बाबा को बुलाने के लिए बाबा के घर की तरफ दौड़ते हुए ही जाने लगता है। बुल्ली बहुत ही तेज़ी से जा रहा होता है, वो ज़रा भी देर करना नहीं चाहता है। और थोड़ी ही देर में बुल्ली जंगल के बाहर आ जाता है और बाबा के घर वाले रास्ते पर पहुँच जाता है। लेकिन अभी यहाँ से बाबा का घर थोड़ा दूरी पर है, इसलिए बुल्ली बहुत ही तेज़ी से भागने लग जाता है जिससे इसे देर ना हो जाए, क्योंकि अगर इसे देर हो गई तो उधर मिस्टर मीट और जब द क्लियर गुल्ली को पका कर खा ही जाएंगे। और थोड़ी ही देर में बुल्ली बाबा के घर की तरफ पहुंच जाता है और वो बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ बाबा की कसरत चालू है क्योंकि बाबा अक्सर कसरत करते हैं, बाबा की सेहत का यही तो याद है, ये रोज़ कसरत करते हैं जिससे इनकी सेहत बहुत ही अच्छी है और ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और बाबा बहुत ही अच्छे तरीके से कसरत कर रहे होते हैं। बाबा कसरत कर ही रहे होते हैं कि तभी बुल्ली बाबा के पास आ जाता है और बाबा बुल्ली को देखकर थोड़ी देर बाद बाबा जब बुल्ली को देखते हैं तो वो बुल्ली को देखकर खड़े हो जाते हैं
और बुल्ली की तरफ घूरने लगते हैं। और इसके बाद बाबा गुस्से से बुल्ली से पूछते हैं, क्या हुआ बुल्ली, आधी रात को तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। और इसके बाद बुल्ली बाबा को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से शॉन को मिस्टर मीट और जेब द किलर ने पकड़ रखा है और गुल्ली को भी वो लोग पका कर खाने वाले हैं और मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा कर यहाँ पर आया हूँ, आप जल्दी चलिए। और इसके बाद बाबा बुल्ली से बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, उन दोनों ने हमारा जीना आराम करके रखा है, आज उन दोनों का आखिरी दिन है, इसके बाद वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। अब जल्दी से मेरे बाइक पर बैठो और यहाँ से निकल चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो वरना वो लोग गुल्ली को पका कर खा जाएंगे। और इसके बाद बाबा गुल्ली को अपनी बाइक पर बैठाते हैं और वहाँ से बाइक स्टार्ट करके स्टाइल मारते हुए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मीट और जेफ द किलर गुल्ली को पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर मीट जेफ द किलर से बोलता है कि जेफ द किलर जाओ उस दूसरे आदमी को भी उठा लाओ, नहीं तो वो उठकर वहां से भाग ही जाएगा और तब तक मैं इस पर नज़र रखता हूं और तुम जल्दी से लेकर आना, अगर जरा भी देर हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जेफ द किलर बोलता है, ठीक है मैं अभी जाकर लाता हूं, लेकिन तुम इस पर नज़र जरूर रखना सही से। और इतना बोलकर जेफ द किलर वहां से चला जाता है शॉन को उठाकर लाने के लिए। जेफ द किलर बहुत ही तेजी से शॉन को उठाकर लाने के लिए जा रहा होता है। और थोड़ी ही देर में जेफ द किलर रोड पर पहुंच जाता है और वो तुरंत शॉन के पास जाता है और शॉन को देखने लगता है, लेकिन तभी जेफ द किलर शॉन को उठाने से रुक क्यों गया। आते ही जेफ द किलर को ढेर कर दिया। जेफ द किलर दोबारा से उड़ जाता है और वो बाबा पर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन ये क्या, ये तो स्पीयर का इशारा है। अब लगता है जेफ द किलर का आखिरी वक्त आ चुका है और ये लगा दी दौड़। बाबा ने जेफ द किलर को स्पीयर का इशारा देते हुए उसके ऊपर स्पीयर मार दिया और जेफ द किलर ढेर हो गया। जेफ द किलर का काम तमाम करने के बाद बाबा तुरंत शॉन के पास जाते हैं और शॉन को ठीक करने का लिए अपनी शक्तियों से शॉन को ठीक करने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर में शॉन भी ठीक हो जाता है और वो होश में आ जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है और वो बाबा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मीट जेफ द किलर के इंतजार में परेशान हो रहा है। मिस्टर मीट सोचने लगता है कि आखिर जेफ द किलर अभी तक आया क्यों नहीं, वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है, मैंने तो उसे बोला था जल्दी चलाने के लिए और इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए उसे, मुझे लगता है कि यहाँ वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मिस्टर मीट ये सोचकर गुल्ली को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है जेफ द किलर की ओर। और थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट भी रोड के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी मिस्टर मीट रुक जाता है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। मिस्टर मीट देखता है कि वहां पर बाबा आ चुके हैं और जेफ द किलर वहीं पर गिरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है, और ये देखकर मिस्टर मीट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और शॉन पीछे पलटता है तभी शॉन मिस्टर मीट को देख लेता है और फिर वो बाबा से बता देता है मिस्टर मीट के बारे में। बाबा मिस्टर मीट को देखकर मिस्टर मीट के पास के शॉन के पास आकर खड़े हो जाते हैं
और मिस्टर मीट को गुस्से से देखने लगते हैं। और ये सब देखकर मिस्टर मीट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो दौड़ते हुए बाबा पर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी बाबा मिस्टर मीट को एक सुपर पंच दे देते हैं जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है, लेकिन मिस्टर मीट अभी मरा नहीं है। मिस्टर मीट को ढेर करने के बाद बाबा बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। और ये देखकर सॉन भी जश्न में शामिल हो जाता है और बुल्ली भी इन लोगों के साथ जश्न में शामिल हो जाता है। लेकिन तभी सॉन बाबा से कहता है कि बाबा वो देख के मिस्टर मीट उठने की कोशिश कर रहा है और अभी वो उठकर हमें हमला करेगा। और ये देखकर बाबा मिस्टर मीट की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि मिस्टर मीट उठने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो बाबा पर हमला करने के लिए बाबा के पास जाता है। लेकिन बस फिर क्या था, बस जो मिस्टर मीट की पूरी। और इसके बाद बुल्ली बाबा और सोन के पास जाता है और वो बाबा और सोन से कहता है कि बाबा मुझे लगता है कि गुल्ली को मिस्टर मीट और जेफ बटलर ने मिलकर अपने घर में कहीं छुपा रखा होगा, चलिए चलकर उसे भी ले आते हैं। और ये सब सुनकर बाबा बुल्ली से कहते हैं, ठीक है बुल्ली, जाओ तुम गुल्ली को अपने साथ लेकर आओ, तुम और चांद तुम दोनों जाकर गुल्ली को अपने साथ ले आओ और तब तक मैं अपनी बाइक से यहाँ से जाता हूँ और तुम लोग भी पीछे पीछे आते रहना। इसके बाद ये सभी लोग गुल्ली को ले आते हैं और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गुल्ली गुल्ली के और भी एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।